मैं बात कर रहा हूँ चरेली गांव की, जहाँ पे लोग कुदरत से लड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सोलन से 25 किलोमीटर दूर बसा चरेली गांव, जहाँ लोग खेती बाड़ी करके अपना व अपने परिवार का पेट भरते हैं। सही सुविधा और सही उपचार ना होने की वजह से गांव वाले आज भी कुदरत से लड़ने को मजबूर हैं। गांव में पुल ना होने की वजह से इन्हें अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। इस इलाके में ऐसे जीना मुश्किल है। लोग तो कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम अभी तक भी अंग्रेज़ों के गुलाम की तरह ज़िंदगी काट रहे हैं। ना यहाँ पुल है, पशु पार निकलते निकलते कई पशु बह गए हमारे, और पुल अभी तक भी नहीं लगा हुआ है, कोई सुनता भी नहीं हमारा। जब नदी आ जाती है तो हमारे को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। इस गांव में सरकार ने आज से 5 साल पहले पुल का निर्माण किया था, और तब नदी का बहाव तेज होने से पुल टूट गया। उसके बाद सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के एक परिवार ने अपने पैसों से एक झूला लगाया है, और तभी से इधर उधर जाना या सामान लाने के लिए इसी झूले का इस्तेमाल किया जाता है। ये बनाया गया था, ये पुल कम से कम 5 साल पहले बनाया गया था ये पुल, तो उसके बाद ये गिर चुका है। ये पुल ना होने की वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लमें आती है, जैसे अगर हम यहाँ पे कभी कोई रात को बीमार पड़ जाए और यहाँ पे ना सड़क है ना पुल है, इसकी वजह से हम मतलब टाइम से उस अस्पताल में नहीं पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी मतलब बहुत गंभीर हो जाता है। अच्छा, अगर आपके गांव में पुल लग जाए तो क्या होगा? तब हम हर स्कूल जा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर पुल लगा दे तो धन्यवाद, हमारे को तो चाहिए। मैं भी इसी समुदाय से संबंध रखता हूँ, इस तरह की मुश्किलों से मुझे भी रोजाना गुजरना पड़ता है। अगर एक पुल लगने की वजह से गांव की मुश्किलें आसान हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ सरकार इस तरफ ध्यान दे और कोई कदम उठाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मैं अवधेश नेगी, इंडिया अनहर्ड के लिए।